उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उत्तराखंड में यही है कि आखिर मुख्यमंत्री होगा तो होगा कौन। इस सवाल का जवाब प्रदेश के लोगों को 20 मार्च को मिलने की संभावना है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 20 मार्च को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी के सभी विधायकों को 20 मार्च को देहरादून बुलाया गया है। 20 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है, इसकी पुष्टि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने की है। उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मेगा इवेंट की तरह आयोजित होगा। इसमें केंद्रीय नेताओं के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है। पूरा इवेंट मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए तैयार होगा, जिसका प्रसारण सभी जिलों और मंडलों में भी किया जाएगा। तो सीएम के चेहरों को लेकर मंथन इतने दिनों से उत्तराखंड में हो रहा है, लेकिन किसके चेहरे पर मुहर लगेगी ये तो हमें देखना होगा। लेकिन उम्मीद है कि कल रविवार के दिन यानी कि 20 मार्च को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका पता उत्तराखंड की जनता को चल जाएगा। एक बड़ी बैठक होने जा रही है। विधायकों को 20 मार्च को देहरादून बुलाया गया है। 20 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है और कल ही सीएम चेहरे का ऐलान भी हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसकी पुष्टि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने की है। उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मेगा इवेंट की तरह आयोजित होने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बहुत सारे नाम हैं जो रेस में हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामे के चेहरे पर बीजेपी मुहर लगा सकती है या फिर कोई महिला हो सकती है। महिला ऋतु खंडूरी, रेखा आर्य, ये नाम जो हैं दो टॉप पर चल रहे हैं। इसके अलावा और भी नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक हो, चाहे वो धन सिंह रावत हो, ये तमाम नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। सतपाल महाराज, ये भी नाम सामने हैं। ऐसे में किसका चयन होगा ये हमें कल पता लग सकता है। कल यानी कि जब बैठक होगी, विधायक पहुँचेंगे और इसके बाद क्या तैयारियाँ हैं, कौन होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, ये साफ हो सकता है। और इसी खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, 20 मार्च को बड़ी तैयारी है, सभी विधायकों को बुलाया गया है देहरादून, और इसके अलावा उम्मीद तो ये भी है कि कल जो चेहरा उत्तराखंड की आम जनता ढूंढ रही है अपने मुख्यमंत्री के तौर पर, वो भी आम जनता के सामने होगा। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अभी विधायक मंडल दल की बैठक कब होती है ये अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर है कि क्योंकि होली का त्यौहार मनाया जा रहा था और पहाड़ों में तमाम जो विधायक जीते थे वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस त्यौहार को मना रहे थे, लेकिन पार्टी ने जरूर ये निर्देश दिया है कि सभी विधायक देहरादून पहुंचे और कल यानी कि कल से वो देहरादून में मौजूद रहे, क्योंकि अगले 2 से 3 दिन के अंदर नए मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम उत्तराखंड में होना है। तो इसको देखते हुए तमाम जो विधायक हैं, जो जीते हुए प्रत्याशी, उन्हें देहरादून बुलाया गया, लेकिन विधायक दल की बैठक कब आहूत होनी है ये अभी जरूर इसकी जानकारी नहीं आ पाई। खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जानकारी देते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा वो एक बड़े स्तर पर कराया जाएगा, यानी कि विशाल तरीके से इस बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें तमाम बड़े चेहरे देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व के बड़े चेहरे हों या फिर अन्य राज्यों के हो। तो ये कहा जा सकता है बड़े रूप में जो शपथ का कार्यक्रम है वो इस बार कराया जाएगा, लेकिन अभी तक ये जरूर साफ नहीं है कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री होगा कौन, क्योंकि विधायक दल की बैठक में ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार भाजपा हाईकमान किस पर भरोसा करता और किसको उत्तराखंड की कमान सौंपता और कौन इस बार उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री होता है। बीजेपी सारा प्लान जो है वो 2024 की तर्ज पर कर रही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे हालात लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति बहुत ही अलग है, क्योंकि उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री थे वो अपनी सीट से हार गए, तो ऐसे में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। अब उनके चेहरे पर भी मुहर लग सकती है, जनता भरोसा जता सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं बड़े चेहरे, ये कह रहे हैं कि इतने कम समय में अगर उन्होंने जगह बनाई है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया, भले ही वो अपनी जगह अपनी सीट से हार गए हों, लेकिन उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में चुनाव लड़ा गया है, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रही है। लेकिन ऐसे में महिला एक चेहरा भी सामने आ रहा है, ऋतु खंडूरी हो या फिर रेखा आर्य हो, क्या लग रहा है इस बार किसी महिला को दिया जा सकता है ये पद? जी बिल्कुल, हमारे कयास ये कहा जा सकता है, यदि हम कयास लगाएं तो उसके विपरीत कहीं ना कहीं बीजेपी चलती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली 2 बार से मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले गए उत्तराखंड में, तो ये कहा जाना बिल्कुल साफ नहीं होगा कि आखिरकार हाईकमान महिला पे भरोसा करता है या पुराने चेहरों पर।
लेकिन इतना जरूर माना जा सकता है कि विधायक दल का ही वो नेता होगा और विधायकों में से ही मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो साफ किया जाएगा, क्योंकि हाईकमान नहीं चाहता है कि प्रदेश में दोबारा चुनाव कराए जाएं। इसलिए जो विधायकों में से जो विधायक जीत कर पहुंचे हैं उनमें से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश यूं कहा जा सकता है कि बात समझ में आ रही है। पुष्कर सिंह धामी का नाम तो फिर इस लिस्ट से हटा देना मतलब दिखाई दे रहा है कि हट जाएगा, क्योंकि अगर जीत के जो विधायक जा रहे हैं तो अगर ये कहा जा सकता है कि जो विधायक बनकर विधानसभा तक पहुंचे उनमें से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी जिस रेस में नजर आ रहे थे कि एक बार फिर उन पर भरोसा किया जाएगा, शायद वो कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी है, बीजेपी उत्तराखंड में कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी पर एक बड़ा भरोसा बीजेपी ने जताया है, जो आज तक कभी मंत्री नहीं बने, दो बार के विधायक और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि हाईकमान कुछ भी कर सकता है, लेकिन निर्णय ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं विधायक की सहमति से होगा, तमाम बड़े नेताओं की सहमति से होगा, और उसके बाद ही जो नया मुख्यमंत्री है उत्तराखंड का वो सबके सामने होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार विधायक मंडल दल की बैठक आखिरकार होती कब और उसके लिए जगह कौन सी डिसाइड की जाती है। बिल्कुल, सुबह जैसे कि जानकारी मिली थी कि बीजेपी जो प्रदेश मीडिया प्रभारी है मनवीर सिंह चौहान, उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि 20 मार्च को ये बैठक हो सकती है। हालांकि टाइम क्या होगा, कहां पर होगी, ये कुछ भी नहीं बताया गया था। तो ऐसे में हम उम्मीद लगाएं कि कल ये बैठक हो सकती है। सुभाष, या फिर कोई अपडेट है इसमें? बिल्कुल, मनवीर सिंह चौहान ने अभी तक ऐसा नहीं कहा है कि कल बैठक होगी। हालांकि ये बात जरूर कही जा रही है कि आगामी दिनों में बैठक की जा सकती है, क्योंकि बैठक का समय निर्धारित करने के लिए अभी किसी को भी नहीं कहा गया, ना ही किसी विधायक को भाजपा प्रदेश कार्यालय के द्वारा संपर्क किया जाएगा। हालांकि ये जरूर कहा है कि तमाम जितने भी विधायक है वो राजधानी देहरादून में पहुंच जाए, और जैसे ही व्हिप जारी होगा संगठन की तरफ से, तमाम जो विधायक हैं उनके लिए बता दिया जाएगा कि कौन सी जगह ये बैठक होनी है, चाहे वो प्रदेश कार्यालय में हो या फिर किसी निजी होटल में, तो उनको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। और बैठक के बाद ही ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बैठक में तमाम बड़े चेहरे होंगे, साथ ही उत्तराखंड में जो बनाए गए पर्यवेक्षक हैं जिसमें राजनाथ सिंह और भी मौजूद हैं, तो वो होंगे, उनकी अध्यक्षता में बैठक की जाएगी, और उस बैठक के जरिए ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन बड़े पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो आज शाम तक देहरादून पहुंच जाएंगे, ऐसी भी सुगाहट है। जी बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से हमने बात करी, हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि वो कब पहुंचेंगे, लेकिन वो जरूर कहते हुए नजर आए कि कल विधायकों को ये जरूर कहा है कि वो राजधानी देहरादून पहुंचे, लेकिन बैठक के लिए अभी उन्हें नहीं कहा गया, क्योंकि राजधानी देहरादून आना इसीलिए अनिवार्य है कि आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर उत्तराखंड में अपनी सरकार शपथ लेगी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं विधायकों को, दूर दराज के विधायक, उनको कहा गया है कि वो राजधानी देहरादून में पहुंच जाए, और जैसे ही प्रदेश कार्यालय की तरफ से जो भी उनको जानकारी मिलती है बैठक को लेकर, उस बैठक में मौजूद रहेंगे, और उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो नया मुख्यमंत्री है या फिर हाईकमान किस पर भरोसा करता है, किस चेहरे पर भरोसा करता है और किसको मुख्यमंत्री बनाता है, वो सारी तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। लेकिन इंतजार कल का जरूर किया जा रहा है कि आखिरकार कल शायद विधायकों को व्हिप जारी कर दिया जाए और उनको निर्देशित किया जाए कि आखिरकार विधानमंडल की बैठक इस समय और इस दिन है। जी बिल्कुल, सुभाष देखिए, आप देहरादून में लगातार मौजूद रहते हैं, ग्राउंड जीरो पर बने रहते हैं, बड़े बड़े चेहरों से आपकी मुलाकात भी होती है, आप बातचीत भी करते हैं, क्या लग रहा है किसका नाम सबसे ज्यादा टॉप पर है? क्योंकि अगर विधायकों की हम बात करें तो फिर उस रेस से फिर धामी का नाम तो हट ही जाता है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि विधायकों को लेकर काफी बड़े चेहरे उत्तराखंड में हैं, कई ऐसे विधायक भी हैं जो 5 साल से लगातार, ये माफ कीजिएगा, 5 बार के लगातार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं, और कुछ उनसे भी सीनियर विधायक विधानसभा इस बार पहुंचे हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी पर भाजपा ने भरोसा किया था और एक युवा चौहरे के तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, तो ये कहना अभी साफ नहीं होगा कि आखिरकार वो कौन सा चेहरा है जिस पर हाईकमान मोहर लगा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री के दौर पर बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, चाहे उसमें सतपाल महाराज हों, धन सिंह रावत हों, इसके साथ ही महिला के तौर पर रेखा आर्य भी कहीं ना कहीं इस लिस्ट पर नजर आ रही है, और खंडूरी जी की बेटी भी इस लिस्ट में नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अलावा कई बड़े चेहरे ऐसे भी हैं जो इस दौड़ से बाहर हैं, विधायक नहीं है, लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनका नाम इस लिस्ट में हो और वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बन सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, किस तरीके की जो रणनीति बीजेपी बनाती है वो तो विधायक मंडल की बैठक के दौरान ही पता चल पाएगा कि आखिरकार बीजेपी भरोसा किस पर करती है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की दौड़ पर
तमाम सभी विधायक नजर आ रहे हैं, और जो सीनियर विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं इस लिस्ट में टॉप लिस्ट पर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हाईकमान उनमें से किसका चयन करती है, किसको मुख्यमंत्री बनाती है, ये तो उसी दिन तय हो जाएगा जिस दिन विधायक मंडल की बैठक होनी है। लेकिन उस बीच में कहीं ना कहीं किसी दिन ये कहा जा सकता है चर्चाओं में धन सिंह रावत बहुत ऊपर नजर आते हैं, और उम्मीद ये की जाती है कि शायद धन सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और हाईकमान और संघ में उनकी अच्छी बैठक है, तो इस वजह से उनकी जो स्थिति है वो बहुत ऊपर लगती है। लेकिन उसके बाद कभी सतपाल महाराज ऊपर लगने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी मतलब सब पहचान कुछ अभी पर्दे के पीछे है और ये पर्दा उठना अभी बाकी है सुभाष, और जब ये बैठक होगी उसके बाद ही स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल आम जनता भी जानना चाहती है, और हर किसी की नजरें इस पर बनी हुई है कि आखिर किस पर बीजेपी दाव खेल सकती है। लेकिन ये जो इवेंट होगा, शपथ ग्रहण समारोह जो होगा, वो एक इवेंट के तौर पर होगा, मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा, जिसका प्रसारण सभी जिलों और मंडलों में भी किया जाएगा। तो हमें भी इंतजार है कि आखिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे पर कौन शपथ लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पर्दे के पीछे सब कुछ है, सामने कुछ नहीं है, तो इंतजार, पर्दा जल्द उठे और तस्वीरें क्लियर हो पाए।